ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इन कैटेगरीज को फिल किया था यूजिंग वी लुकअप, और हम लोग रेंज कैटेगरी को यूज कर रहे थे बाय डिफॉल्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहां पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को पॉपुलेट करेंगे, कैटेगरी को एंड रिटेल प्राइस को पॉपुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द आइटम। सो आइटम की वैल्यू को चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस वगैरह इंटरनेशनल प्राइस लिस्ट से हमें इस कस्टमर कोट में पॉपुलेट होते हुए, इंसर्ट होते हुए नजर आएगी। तो उसके लिए हम लोग दोबारा से यूज करेंगे वी लुकअप को, और जो लुकअप वैल्यू होगी वो होगी इस सेल में से हम लोग देंगे कॉमा, और कॉमा देने के बाद इंटरनेशनल प्राइस लिस्ट पे आ जाते हैं, और वो जो लुकअप होगा वो होगा इस टेबल में से। तो मैं एक्टिव सेल पे क्लिक कर देता हूँ जो कि आइटम कोड के नीचे है, और यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, देन कंट्रोल शिफ्ट बॉटम एरो, और इस तरह से हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। फॉर्मूला बार से आके मैं इन वैल्यूज को एब्सोल्यूट कर देता हूं, तो फंक्शन F4 की को दबाऊंगा एंड देन वंस अगेन कॉमा, और कॉमा देने के बाद मुझे देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इंटरनेशनल प्राइस लिस्ट वाली टेबल में वो है 3rd, और मैं लिखूंगा कॉमा, एंड कॉमा के बाद हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखेंगे, या यहां पर आप लोग जीरो लिखोगे। तो दोनों ही सिचुएशंस में एमएस ऑफिस इसको फॉल्स कंसीडर करेगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूं, लेट्स से फॉल्स के ऊपर, एंड देन ब्रैकेट को ओवर कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। यूं करने से हमारी डेटा फिल आउट हो चुकी है। अब अगर कैटेगरी की डेटा को मैं फिल आउट करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो ट्रबल हो रहा था वो हो रहा था इस इंटरनेशनल प्राइस लिस्ट के अंदर, जब मैं इस डेटा को, इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर रहा था। तो इट इज मच बेटर कि इस पूरी टेबल को किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाए। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे आ जाता हूं और इसको टेबल में रजिस्टर करवा देता हूं बाय क्लिकिंग ऑन टेबल, और ये वैल्यूज टेबल में आ चुकी हैं और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। मैंने हेडर्स को सिलेक्ट नहीं किया, इसीलिए मैं टिक कर दूंगा माय टेबल हैज हेडर्स, और ओके पे प्रेस कर देते हैं। तो ये कंप्लीट डेटा अब एक टेबल में जा चुकी है, और उस टेबल का नाम चेंज कर देते हैं। तो टेबल का नाम रख देते हैं आइटम, एंड यप दिस इज इट। अब वापस आ जाते हैं कस्टमर कोड के ऊपर, और दोबारा से यही सेम वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू एंड देन वी लुकअप, लुकअप वैल्यू रहेगी ये कॉमा, और जो हमारा टेबल एरे है वो होगा आइटम कॉमा, कॉलम इंडेक्स फॉर द कैटेगरी इज 5 कॉमा, और हम लोग चाह रहे हैं एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट ओवर एंटर एंड देयर यू गो। तो अब अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं तो ये अकॉर्डिंगली डेटा को लेके आ रहा है, या इसको मैं चेंज कर दूं तो देखें उसके हिसाब की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, कैटेगरी भी आ रही है। अब आ जाते हैं रिटेल प्राइस को, और रिटेल प्राइस अगर आप लोग यहां पर आ जाएं तो ये है 4th नंबर कॉलम के अंदर, ठीक है। सो दिस वन इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड 4th कॉलम। वापस आ जाता हूं कस्टमर कोड के अंदर और यूज करता हूं वी लुकअप को। यहां से इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा, टेबल है आइटम कॉमा, कॉलम इंडेक्स इज 4, देन कॉमा एंड लुकअप इज फॉर द एग्जैक्ट मैच। तो इसको फॉल्स कर देते हैं एंड एंटर।
एंड देयर यू गो। तो अब जो है वो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो चुकी हैं। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।